कुकर में सिंपल आलू करी तो इस तरीके से बनाइएगा, टेस्टी तो बनेगी ही, साथ ही साथ आपको बहुत पसंद आएगी। सिंपल सा है मटन करी की ये रेसिपी, लेकिन टेस्टी बनेगी, और ख़ासकर आप इसे राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए बनाते हैं मटन आलू करी की ये ज़बरदस्ती रेसिपी। ये देखिए मटन जिसमें रहेगा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, आलू रहेंगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और खाने में टेस्टी खुशबूदार सी मटन करी की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने कुकर गर्म करने के लिए रख दिया है, और उसमें हमें ऐड कर लेना है 2.5 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छा सा हम यहाँ पर गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर लेना है प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया था। प्याज को अब हम यहाँ पर भुनेंगे जब तक कि प्याज जो है वो हल्की सी लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। तो चलिए प्याज को हम यहाँ पर भून लेते हैं। ये देखिए प्याज पर हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है इस तरह से। तो ये प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मटन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम मटन, जिसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। तो ये मटन हम इसमें ऐड कर लेंगे। मटन को हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनना है, इससे जो रॉ स्मेल होती है वो सारी चली जाएगी। हल्का सा मटन से थोड़ा थोड़ा पानी भी यहाँ पर रिलीज़ होगा, देख सकते हैं आप पानी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो कलर चेंज होने तक हम यहाँ पर मटन को भूनेंगे। ये देखिए उसके साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 3 से 4 मिनट भुनने के बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करते हुए फिर से भूनेंगे। और फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने भून लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची महक होती है ना वो भी चली जाए, इससे भी जो मटन की रॉ स्मेल होती है ना वो सारी निकल जाती है। उसके साथ साथ हम ऐड कर लेंगे 2 तेज़पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च और 1 ऐड कर लिए यानी 4, और 2 से 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और 2 से 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े भी ऐड कर दिए, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक हमें इसमें ऐड कर लेना है स्वाद के अनुसार। तो चलिए मिलाते हुए हम इसे भून लेते हैं, मिक्स कर देंगे, और अच्छे से हमें यहाँ पर देखिए सारे मसाले को भून लेना है जब तक कि इसमें से तेल जो है वो रिलीज़ नहीं होता इस तरह से। तो जब इस तरह से तेल रिलीज़ हो जाएगा तब तक हम ये सारे मसाले भूनेंगे, क्योंकि अभी हमें मटन को भी गलाना है। और यहाँ पर हमें ऐड कर देना है 2 टमाटर का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे, और फिर से हम यहाँ पर भूनेंगे। चलिए भून लेते हैं, थोड़ा पानी भी हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसी से जो है वो मटन हम गला लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से मटन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। मिक्स कर लेते हैं। तो ये टमाटर का जो हमने पेस्ट डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें ही मटन को अच्छा सा कर लेंगे। तो मिक्स दे देना है हमें इसे। फिर हम यहाँ पर कुकर की ढक्कन जो है वो बंद कर लेंगे, और यहाँ पर हमने ले लेना है लगभग 4 प्रेशर, हाई फ्लेम पर हम इसमें 4 प्रेशर लेंगे। तो कुकर का ढक्कन हमने इस तरह से लगा लिया है, और हाई फ्लेम पर अब हम इसमें ले लेंगे 4 प्रेशर, ताकि मटन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। और 4 प्रेशर बाद हम कुकर का ढक्कन ऑन कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, और जैसे आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बॉईल आ रहा है। तो हमने प्रेशर निकाल कर फिर कुकर का ढक्कन खोल लिया था, अभी हम गैस की फ्लेम फिर से ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर अब हम इसे भूनेंगे। तो ये सारा एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो हमें ड्राई कर लेना है इस तरह से। तो काली मिर्च का पाउडर अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। एक बार इस तरीके से बनाना मटन आलू करी, आपको बहुत टेस्टी और सिंपल सी है, लेकिन टेस्ट जो है वो बिल्कुल आपके रेगुलर मटन करी से अलग आएगा। इसलिए हमने पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कम किया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तेल रिलीज़ होने तक हमने सारे मसाले भून लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आप आलू की जगह पर शलजम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मोटी वाली हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे, एक काट कर मिक्स करते हुए आलू के साथ भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप आलू की जगह पर शलजम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलाते हुए सारी मसाले को हम बहुत अच्छा सा भूनेंगे। तो 2 मिनट भून लिया मैंने, उसके बाद हमें इसमें ऐड कर लेना है पानी, क्योंकि हमारी करी भी रेडी होनी चाहिए, साथ ही साथ आलू भी पकना चाहिए, क्योंकि टेंडर होना ज़रूरी है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें करी के हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे, और बस 2 प्रेशर लेने के बाद हमारी ये मटन करी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐड कर लेना है हमें पानी,
तो ये एक ग्लास मैंने पानी ऐड कर लिया है और आधा ग्लास और ऐड करेंगे, यानी डेढ़ ग्लास पानी हम इसमें ऐड कर देना है ताकि एकदम राइस के साथ, क्योंकि हम खाने वाले हैं और कंसिस्टेंसी मुझे एकदम थिक नहीं चाहिए, रेगुलर मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए मैंने डेढ़ ग्लास इसमें पानी जो है वो ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगा देना है फिर से। तो देखिए अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे, उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर दो प्रेशर ले लेंगे, इससे आलू भी एकदम अच्छे से गल जाएंगे और मटन भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चार प्रेशर हमने पहले भी लिया था और फिर दो प्रेशर लेंगे तो मटन आपका बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दो प्रेशर लेने के बाद हम कुकर का ढक्कन ओपन कर लेंगे और यहाँ पर पूरा प्रेशर मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज होने दिया था। दो प्रेशर आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी, उसके बाद 10 मिनट बाद मैं कुकर का ढक्कन ओपन कर रही हूँ। इस तरह से देखिए तरी जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो चलिए हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रेगुलर अगर आप मटन करी बनाते रहेंगे तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, काली मिर्च, गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स डालकर, सूखी लाल मिर्च डालकर और बिल्कुल हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने डाली है, ऊपर से हरी मिर्च डालकर इस तरह से एक बार ये मटन आलू करी बनाना। रेगुलर मटन करी से आपको बहुत अलग टेस्ट मिलेगा और राइस के साथ आप इसे खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सर्व कर दिया है और गार्निश कर लेंगे हम इसे हरे धनिया के साथ, और खास करी से मैं करती हूँ सर राइस के साथ। तो संडे ब्रंच में आप शामिल कर लीजिएगा मटन आलू करी की ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी सी, आसान सी और खाने में बहुत ही लजीज, तो ज़रूर ट्राई करना। ये थोड़ा हैदराबादी जैसी मटन करी होती है ना, वैसी ही बनकर ये रेडी होती है, क्योंकि हमने इसमें खट्टापन देने के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया है, इससे ये इसका शोरबा जो है ना वो बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये हमारी रेसिपी अब बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, लाइक भी ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.